ये हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज़ का हमारा चौथा वीडियो है। तो अगर आपको डिटेल्ड समझना है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले, कैसे आप कैशलेस बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो पहले वाले 3 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा चीज़ों को समझना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक बड़ा कॉमन सवाल रहता है बहुत सारे कस्टमर्स की तरफ से कि क्या हमें एक इंडिविजुअल पर्सनल पॉलिसी लेनी चाहिए या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल पॉलिसी क्या होती है और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी क्या होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब होगा कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल सिर्फ एक पर्सन एक को इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदता है अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसको हम इंडिविजुअल पॉलिसी कहते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही पर्सन कवर होता है इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्या कवर होगा क्या नहीं कवर होगा। तो इसलिए आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को भी ध्यान से पढ़ लें। जो दूसरी तरह का एक पॉलिसी होती है जिसको हम फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर पूरी फैमिली कवर हो सके उसको हम फैमिली फ्लोटर पॉलिसी कहते हैं, जिसमें आप अपने पेरेंट्स को भी कवर कर सकते हैं या आप अपने वाइफ स्पाउस और अपने बच्चों को भी कवर कर सकते हैं। उसका बेनिफिट यह है, उसका फ़ायदा यह है कि आप जब इंडिविजुअल पॉलिसी खरीदेंगे हर एक पर्सन के लिए, मान लो आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, अगर आप 5 पॉलिसी खरीदेंगे तो एक तो उनको मेंटेन करना मुश्किल होगा और दूसरा उसका प्रीमियम अमाउंट कहीं ज़्यादा होगा फैमिली फ्लोटर के प्रीमियम अमाउंट से। तो अगर आप एक साथ 5 लोग एक ही पॉलिसी खरीदेंगे तो आपका प्रीमियम अमाउंट कम होगा, लेकिन आप जहाँ पे आपने 5-5 लाख रुपए की मान लो 5 पॉलिसी खरीदी थी, यहाँ पे आप अकेले 10 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की एक पॉलिसी खरीद सकते हैं। और जितना भी ये सम इंश्योर्ड है, आप 5 लाख का खरीदें या 10 लाख का खरीदें, वो किसी एक फैमिली मेम्बर पे एक साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर बाद में पैसा बचता है या मान लो एक किसी फैमिली मेम्बर पे 1 लाख रुपया खर्च हो गया, तो बाकी जो बचा अमाउंट है वो बाकी दूसरे फैमिली मेम्बर्स पे भी ज़रूरत के समय खर्च हो सकता है। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है, इसको मेंटेन करना आसान होता है और इसमें आपको कवरेज भी मिलता है। कंडीशन यही है कि आपको हर साल समय रहते बिना पॉलिसी लैप्स हुए इसको रिन्यू करा लेना चाहिए। एक ये मिथ होता है कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो हमें वापस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपने पैसा दे दिया वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के पास रहता है। हाँ, जब समय पर ज़रूरत पड़ती है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले आपको बड़ा अमाउंट पे करती है। अस्पताल में लाखों के बिल बनते हैं तो उस समय आपकी जेब पे भार नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पे ही जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी और आपके परिवार को भी कवरेज मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वाइडली शेयर कर लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, सो दैट आपको इस तरह के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आगे आने वाले वीडियो सीरीज़ के समय पर आपको मिलते रहें। थैंक यू।